श्रावणी राय बहादुर को हैरानी से देख रही थी और राय बहादुर के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। राय बहादुर ने कितनी आसानी से इतना बड़ा झूठ कह दिया था कि उन्होंने लाल रानी का नाम ही नहीं लिया। श्रावणी के चेहरे के भोले भाले हैरान परेशान भाव देखकर राय बहादुर ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है श्रावणी, ना मैं ऐसी किसी औरत को जानता हूँ और ना मैंने तुम्हारे सामने उसका नाम लिया है। तुम परेशान थी, गुस्से में थी, इसलिए हो सकता है कि मैंने कहा कुछ और तुमने सुना कुछ और हो। चलता हूँ, और हाँ, गलती से भी अपने कान में से वो सोने की बाली मत उतारना, जब तक मैं ना कहूँ उसे छेड़ना भी मत। ठीक है, नहीं उतारूंगी। राय बहादुर ने आंख भर कर श्रावणी को देखा, वो भी ऐसे कि जैसे वो कह रही हूँ कि हाँ, मैं लाल रानी के जिक्र के बारे में सबके सामने सफेद झूठ बोल रहा हूँ, पर तुम कुछ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें करना चाहिए। फिर राय बहादुर ने केशव को एक रजवाड़े की तरह प्रणाम किया और योगी अमृत के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर मुखिया चंदन लाल की हवेली की तरफ निकल गए। श्रावणी गाड़ी को तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। किसी गहरी सोच में खोई श्रावणी अपने कान में सजी हुई राय बहादुर की बाली को छूते हुए केशव की तरफ मुड़ी। केशव की आंखों में आंसू थे और वो किसी अपराधी की तरह अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। श्रावणी ने आगे बढ़कर अपने बाबू के हाथ पकड़ लिए और उनके आंसू पोंछे। केशव ने बड़ी ही शर्मिंदगी से अपनी बच्ची की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दे लाडो, मुझे माफ कर दे। कभी नहीं सोचा था कि अपनी लाडो को इस तरह किसी अनजान आदमी के पल्ले बांधना पड़ेगा, एक ऐसा आदमी जिसके नाम के सिवा मैं कुछ नहीं जानता। पर कोई और रास्ता नहीं है लाडो, अगर तू इस गांव से ना गई तो ना ये गांव बचेगा ना तू। सबको जिंदा रखने का बस यही एक तरीका है, हो सके तो अपने इस कमजोर बाप को माफ कर देना लाडो। ऐसा मत बोलो बापू। बापू कभी अपनी छोटी सी लाडो से माफी मांगते हैं क्या? गांव वाले जो कर रहे हैं, आपको जो करना पड़ रहा है, राय बहादुर जो करने को तैयार हो गए हैं, उस सबकी जिम्मेदार तो मैं हूं ना बापू। मैं एक श्राप, एक बोझ, एक बला बनकर जन्मी हूँ, तो देर सवेर तो ये घड़ी आनी ही थी ना। अब ज्यादा मत सोचो, अपनी इस बदनसीब बेटी को लाल जोड़े में विदा कर देना बस, और ये प्रार्थना करना कि मेरे साथ जी रही वो 100 रूहें गति पा जाए। गत्ते की सब्जी और खाचड़ा खाओगे बापू? मेरा ब्याह हो जाएगा तो आपको ये सब कौन खिलाएगा? बस कर लाडो, बस कर। तेरे बापू का दिल इतना भी मजबूत नहीं है कि बार बार ये याद करे कि उसकी लाडो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। चल, आज हम दोनों मिलकर गट्टे की सब्जी बनाते हैं। चल लाडो। केशव ने अपनी मासूम सी बच्ची के सिर पर हाथ रखा और श्रावणी अपने बापू का हाथ पकड़कर रसोई की तरफ चली गई। पर उसका दिमाग राय बहादुर और राय बहादुर की उससे शादी करने की वजह के आसपास ही मंडरा रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी कि राय बहादुर को उन आत्माओं से डर क्यों नहीं लग रहा। वो क्यों जानते बूझते मौत के सामान को ब्याह कर अपने घर ले जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, वो श्रावणी से की बात क्यों छुपा रहे हैं? लाल रानी की बात को क्यों झुठला रहे हैं? बाली उतारने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? ये सब सोचते सोचते श्रावणी केशव के साथ खाना बनाने में जुट गई। पर सिर्फ श्रावणी ही नहीं थी जो राय बहादुर की अजीबोगरीब शख्सियत से परेशान थी। मुखिया चंदनलाल की हवेली में भी यही हवा चल रही थी। मुखिया चंदनलाल, उनका नौकर वसु, गांव के लोग, किन्नरी, गुलाब, पन्ना और दावत पकाने के लिए बुलाई गई औरतें, सब लोग सुबह हवेली में हुई मारकाट को भूलकर राय बहादुर के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। डरी हुई आवाज में उनके बारे में अजीब तरह के अंदाजे लगा रहे थे। और चंदनलाल बस बार बार यही सोच रहा था कि क्या राय बहादुर को ही योगी अमृत ने 10 कोस के जंगल से आवाज लगाई थी? पर ये कैसे हो सकता था? एक आम इंसान के लिए इतनी दूर की आवाज सुनकर पहुंच जाना कैसे मुमकिन है?
और राय बहादुर का ये कहना कि श्रावणी के जाते ही उनका बेटा अजर लौट आएगा, ये किसी आम इंसान के शब्द हो ही नहीं सकते थे। और जो बातें चंदन लाल के आस पास हो रही थी वो भी इसी डर को हवा दे रही थी। अब मुखिया जी, अगर योगी अमृत इस हवेली में न रहे तो मैं उस राय बहादुर की सेवा के लिए रात को न रुकूंगा। अरे क्या पता कौन जिन्न या प्रेत है ये आदमी जो हवा में से पैदा होके श्रावणी का पति बनने को आ पहुंचा। वसु सही कह रहा है चंदनलाल जी, श्रावणी को भयगढ़ से निकालने के चक्कर में किसी भूत पिशाच को तो घर में आसरा ना दे रहे आप। अरे मरे मरे अपना सारा बहा खून समेट कर जिंदा हो गया वो आदमी, डरना लग रहा आपको? क्या करने लगे हो मुखिया जी, सबकी बात मान क्यों नहीं रहे आप? आज सवेरे ही अपनी बहू भतीजे और बेटे को गंवाया है आपने, उस राय बहादुर को हवेली में लाके अपने पोते की जान भी खतरे में डालोगे क्या? कौन जाने क्या बला है वो जिसके आगे श्रावणी में बैठे भूत भूतनियों की भी ना चली। बस, और बस का मतलब है बस। राय बहादुर तेज प्रताप सिंह कोई भूत हो, पिशाच हो, जिन्न हो या आम आदमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो श्रावणी को ब्याह कर हम सबकी जिंदगी से दूर ले जाएगा, हमें बस उससे मतलब होना चाहिए। और मैं उसे योगी अमृत के भरोसे पर भयगढ़ में लेकर आया हूँ। योगी अमृत एक चिरंजीवी तपस्वी है, कोई बुरी आत्मा उनका साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर राय बहादुर उनके साथ मेरी इस हवेली में ब्याह तक रुकने को तैयार है। 100 बात की एक बात है, समझ लो तुम सब लोग, राय बहादुर शैतान हो या इंसान, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और खबरदार, जो उसके या योगी अमृत के सामने किसी ने भी कोई उल्टी सीधी बात की तो। अगर रात में राय बहादुर के साथ रहने में डर लगता है तो तुम लोग शाम को वापस घर जा सकते हो, मैं खुद सब संभाल लूंगा। मुखिया चंदन लाल के ऐलान ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए। अब राय बहादुर चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, सबको उनका एक दामाद की तरह सत्कार करना था, भले ही सर पर तलवार लटक रही हो या मौत मंडरा रही हो। राय बहादुर को शादी होने तक पलकों पर बिठा कर रखना था। अचानक हवेली के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। चंदनलाल ने पन्ना और किन्नरी को देखा और दोनों फूलों के हार, तिलक की थाली और मिठाई लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं। दरवाजे के किवाड़ खुले और राय बहादुर तेज प्रताप सिंह ने हवेली के अंदर कदम रखा और उनके पीछे पीछे आए योगी अमृत। चंदनलाल ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। पन्ना और किन्नरी ने स्वागत के गीत गाए, राय बहादुर का तिलक किया, आरती उतारी और उन्हें फूलों के हार पहनाए। राय बहादुर ने सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और चंदनलाल के नन्हे पोते के गाल सहलाते हुए सबसे कहा, राणावत, वसु, किन्नरी, पन्ना, गुलाब, तुम 7 दिन के लिए इस हवेली से बाहर रह सकते हो। मेरी सेवा करने की तुम में से किसी को कोई जरूरत नहीं है। मेरे सेवक भानु और रानो यहाँ पहुंचते ही होंगे। राय बहादुर का तीखे लहजे में सुनाया गया फैसला सुनकर सब हैरान भी हुए और डरे भी। क्या हो गया था? क्या राय बहादुर किसी बात से नाराज हो गए थे? चंदनलाल ने बड़ी विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और राय बहादुर से पूछा, हमसे कोई गलती हो गई क्या राजा साहब? क्या सब इंतजाम आपके हिसाब से नहीं है? आप कहिए तो सही, हम सब आपकी पसंद के हिसाब से बदलवा देंगे। चंदनलाल, बात इंतजाम की नहीं, इंतजाम करने वालों की है। तुम्हारे सभी नौकर चाकर, छोटे बड़े काम करने वाले लोग हमें कोई पिशाच समझ रहे हैं, हमसे डर रहे हैं। ऐसे में ये भला हमारी क्या सेवा करेंगे, हमारा क्या ख्याल रख सकेंगे? इसलिए इनमें से कोई भी अगले 7 दिन तक इस हवेली में नहीं दिखाई देगा। हवेली का सारा काम और हमारा सारा काम भानु और रानो ही देखेंगे। आप सब लोग जा सकते हैं, जाइए अभी। राय बहादुर की आवाज की गूंज सुनकर हवेली के सभी नौकर जाकर माफियां मांगते हुए भाग खड़े हुए। योगी अमृत ने चंदन लाल और उसके नवजात पोते को देखा और कहा, चंदन लाल, अगर तेरे मन में भी राय बहादुर साहब को लेकर कोई शंका है या डर है तो तू भी अपने पोते के साथ अगले 7 दिन तक इस हवेली के बाहर रह सकता है। अगर तुझे अपने और अपने पोते के लिए जान का डर लग रहा हो तो तू भी जा सकता है।
आपकी हवा को देखकर लगता तो नहीं कि आपको हमसे किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस हो रहा है, पर अगर आपको हमें लेकर जरा सा भी शक है तो आप भी जा सकते हैं। राजा साहब, आप कौन हैं या क्या हैं? ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे योगी अमृत पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे आपसे कोई डर नहीं, ना अपनी जान के लिए और ना अपने पोते की जान के लिए। आप आराम से मेरी हवेली में रह सकते हैं। राजा साहब, मैं भी आपके साथ, योगी अमृत के साथ और अपने पोते के साथ यहीं रहूंगा। आइए, मैं आप दोनों को आपके कमरे दिखा दूं। शायद चंदनलाल ने अपने घर में कुछ ही घंटों पहले भूत पिशाच, खून खराबा, मौत, पागलपन और साक्षात नरक का ऐसा नजारा देखा था कि अब उसे किसी चीज से डर लगकर भी नहीं लग रहा था। उसे बस किसी भी तरह श्रावणी को भयगढ़ से बाहर निकालना था और अपने बेटे अजर को वापस लेकर आना था। चंदनलाल ने राय बहादुर और योगी अमृत को उनके कमरे दिखाए। किन्नरी जो खाना बनाकर गई थी वो उनके कमरों में पहुंचाया। उनसे कहा कि कल सुबह वो शादी के लिए जो भी इंतजाम करवाना चाहते हैं वो भयगढ़ के लोगों को बता दें, जैसा चाहेंगे वैसा कर दिया जाएगा। इतना कहकर चंदनलाल अपने पोते को लेकर नीचे वाले कमरे में सोने चला गया। एक घंटे बाद योगी अमृत ने राय बहादुर के कमरे का दरवाजा खटखटाया और वो दरवाजा अपने आप खुल गया। योगी अमृत कमरे के अंदर आया और उसने देखा कि राय बहादुर एक लाल टेन की धीमी रोशनी में सिर्फ एक सफेद सूती धोती पहने जमीन से 2 फुट ऊपर उठकर हवा में ध्यान लगाकर बैठा है। अलग अलग रंग की रोशनी उसके पूरे शरीर के आर पार इस तरह बह रही है जैसे किसी रोशनदान की जाली से इंद्रधनुष गुजर रहा हो। योगी अमृत चुपचाप खड़ा ये नजारा देखता रहा और अपनी आंखें मूंदे मूंदे ही राय बहादुर ने उससे पूछा, अमृत, अगर तुम हमसे ये पूछने आए हो कि लाल रानी का नाम सुनकर श्रावणी ने पलट कर क्या किया या क्या कहा, तो इसका जवाब देना अभी सही नहीं होगा, पर कुछ तो कहो तेज, ये नाम सुनकर श्रावणी पर या उसके अंदर बैठी उन आत्माओं पर कोई असर ही ना हुआ हो, ये हो ही नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि तुमने उसे लाल रानी कहकर बुलाया, तभी वो शादी के लिए तैयार हुई है। राय बहादुर ने अपना ध्यान तोड़ा, जमीन पर उतरे, रोशनी की किरणें उनके शरीर में लुप्त हुई और उन्होंने योगी अमृत से कहा, श्रावणी शादी के लिए इसलिए तैयार हुई है क्योंकि मैंने ये बात उसके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दी है कि आगे वो आत्माएं जो भी करेंगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो होगी, और श्रावणी शादी के लिए इसलिए भी तैयार हुई है क्योंकि मैंने उसके अंदर बैठी उन शैतानी आत्माओं को एक सोने की बाली में बांध दिया है। वो न श्रावणी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और न किसी की जान ले सकती हैं। राय बहादुर के ये कहने की देर थी कि अचानक हवेली में चूड़ियों और पायल के खनकने की आवाज आने लगी। पूरी हवेली में एक भूतिया औरत की आवाज में लोरी की आवाज गूंजने लगी। राय बहादुर, योगी अमृत और चंदनलाल भागकर अपने कमरों से बाहर निकले। बाहर निकलकर उन्होंने जो देखा वो किसी को भी डर से मार देने के लिए बहुत था। श्रावणी तीसरी मंजिल की छत की बन्नी के आखिरी छोर पर चंदनलाल के पोते को लेकर खड़ी हुई थी। उसका सफेद रंग, लाल आंखें, बिखरे बाल और उसके गले से निकल रही वो भयानक लोरी एक ही बात कह रहे थे कि श्रावणी उस बच्चे को लेकर बन्नी से कूदने वाली है। क्या होगा अब? सोने की बाली का तंत्र टूटा कैसे? या उन आत्माओं ने कोई बीच का रास्ता ढूंढ निकाला? क्या श्रावणी उस नवजात शिशु के साथ छत से कूद जाएगी? या राय बहादुर किसी तरह उन शैतानी आत्माओं को एक बार फिर रोक लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए श्रावणी और राय बहादुर की कहानी, जिसका नाम है भयनगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।